आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ऑन, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। फिर देखो नेक्स्ट क्या दिया इसने, 1 ईयर एट 8% पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, कंपाउंडेड हाफ एयरली, तो मेन आपका ये होता है हाफ एयरली। तो अब आपको हाफ एयरली सबको चेंज करना है, तो यहां पर लिखा है 8% एक साल का, तो हाफ ईयरली 6 मंथ का कितना हो जाएगा 4%, तो ये हो जाएगा आपका 4% हाफ ईयर। यहां पर दिया है 1 ईयर, तो इसमें कितने 6 मंथ होते हैं 2, तो यहां पर हो जाएगा n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है हमारा, a इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 एंड पावर इज n। इसके अंदर वैल्यू डाल दो, तो देखो क्या आ रहा है, p इज 10,000, 1 + r/4/100 और n है आपका, तो n इज 2, तो इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 10,000, एलसीएम इज 100, तो यहां पर हो जाएगा 100 + 4 एंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो आपका 10,000, और इसको हमको दो बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, तो 104/100 इंटू 104/100, ठीक है। तो आप देखो, आप जीरो कट कर दो, तो यहां पर 0 0 दो गॉन, ये दोनों 0 गए, तो अब आपका आ गया 104 × 104 ओनली, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 104 104, तो ये हो गया 16, ये हो गया 4, नेक्स्ट इज 0, नेक्स्ट इज 1, तो 401, तो ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक है। तो अमाउंट आपका ये आ गया 10816, दैट इज योर इन रुपीज, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। नेक्स्ट आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, तो वही हम निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो गया 10816 माइनस 10,000, तो यहां पर आपका आ गया 816 रुपीज, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट।